हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ये क्लास इलेवेंथ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 में ये आपका सावधिक परीक्षा अगस्त 2024 में कक्षा 11 का हुआ है। तो इसमें हम लोग विषय रसायन विज्ञान, जिसे आप रसायन शास्त्र भी कहते हैं, तो इसमें जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, आज हल करेंगे। विषय कोड आप देख सकते हैं, ये विषय कोड 118 है और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो 1 से 30 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और साथ में कुछ इसमें आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन करके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। पहला प्रश्न आप जरा देखे हैं, बोर के सिद्धांत के अनुसार पांचवी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग, यानी अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट इज, फिफ्थ यानी पांचवी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको कोणीय संवेग का फार्मूला आना चाहिए। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला NH/2π होता है। क्या होगा? NH/2π। N क्या है? यही 5 आप रखिए, है ना, 5। और ये H बटे आप 2π। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा H/π। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी इसमें जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 2.5 H/π आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न आप देखें। दूसरे प्रश्न में परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। अब यहाँ ध्यान देना है, प्रश्न को समझिए। परमाणु नाभिक कह रहा है, परमाणु का नाभिक पूछ रहा है, परमाणु का नहीं, परमाणु के नाभिक का। नाभिक यानी क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है और ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 10^-13 सेंटीमीटर इसको याद रखे रहिए। अगर कभी भी 10^-13 सेंटीमीटर ये परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोट होती है, यानी रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस का, यहाँ जो एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस 10^-13 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर कहा होता कि देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस तो पूछा ही है, एटॉमिक न्यूक्लियस का पूछा है, अगर एटॉमिक रेडियस पूछता, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु की ही केवल त्रिज्या पूछता, तब हम 10^-8 सेंटीमीटर लिख देते, याद रखे रहना, ठीक, सेंटीमीटर में। तो अगर पूछता है तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। तीसरा प्रश्न देखें, मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2N2। ये तो सभी को पता है, जैसे अभी हमें पता करना है के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या N=1 होता है। तो 1 को आप N के स्थान पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसे ही L का निकालेंगे तो N के लिए N का मान कितना होगा? 2 होता है। तो अब वही 2 आप यहाँ उठा कर रखेंगे N के स्थान पर, तो 2 × 4 × 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। इस तरीके से 2, 8, 18, 32 इस तरीके से आते हैं, आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पी ऑर्बिटल समायोजन कर सकता है, एनी पी ऑर्बिटल पूछा है, ध्यान दें। जैसे अभी
पी ऑर्बिटल हम पी एक्स पी वाई पी जेड ले लें, किसी के भी हम ले लें, तो देखें क्या होगा, आप खुद समझिए जरा। इसमें जैसे मान लो ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ठीक है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप जानते हैं अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक पी एक्स ये एक ऑर्बिटल है। किसी भी पी ऑर्बिटल में अगर पूछा जाए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से याद रखे रहना है। अच्छा ये भी नहीं सही होगा, ज़रा ध्यान दें, पैरेलल स्पिन नहीं, टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। पैरेलल तो एक ही साइड हो जाएगा, ये गलत है, ये अपोजिट स्पिन होगा, है ना, ये सही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक मुख्य कोश में कक्षकों की कुल संख्या, मुख्य कोश पूछ रहा है, कोश मुख्य कोश में कक्षक की संख्या, तो ये तो एन स्क्वायर होती है, कितना होती है एन स्क्वायर। अभी जैसे हम लोगों को के में निकालना है, तो इसके लिए एन बराबर वन होगा, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, इसलिए इसमें आप देखते होंगे वन यस केवल आता है, है ना, के में। एल में चेक करेंगे तो टू एस और टू पी आता है। अब देखिए पी में तीन होते हैं और यस में एक, तीन एक चार, चार हो गया। अब हम जब कभी भी इसके लिए एल की निकालेंगे तो एन के स्थान क्या रखेंगे, दो, तो दो दूनी चार, देखिए चार ऑर्बिटल इसमें है भी, इसका एक पी का तीन, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। छठा प्रश्न देखें, जब आज एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान दो हो, एजीमुथल यानी एल, एल इज इक्वल टू टू, तो संभावित कक्षकों की संख्या है, व्हेन द एजीमुथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू टू, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल, पॉसिबल ऑर्बिटल ये पूछ रहा है, तो सिंपल है, जब एल इज इक्वल टू टू होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें एल किसके लिए दो होता है, तो आप जानते हैं कि ये डी ऑर्बिटल के लिए होता है, किसके लिए, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, डी ऑर्बिटल के लिए होता है। और डी ऑर्बिटल में आप जान रहे हैं कितने, अब वही तो पूछ ही रहा है ये, है ना, पॉसिबल ऑर्बिटल, पॉसिबल ऑर्बिटल कितने होंगे, पाँच। कैसे पता चला, क्योंकि डी में आप जानते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, आप जानते हैं इस तरीके से इसमें कितने हो जाएंगे, पांच कक्षक होते हैं, ठीक, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज, एक त्वरित आवेश का उपयोग ही प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस कक्षक का आकार बेबी सूथर जैसा होता है, बेबी सूथर यानी कि बच्चों को जो आप देखते हैं वो पहनाया जाता है आरामदायक, तो ये जेड डी जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप इसको देखते होंगे, इस तरीके से बना होता है, तो यहाँ पर तो एक्स हम ले लें और ये इसको हम ले लेते हैं वाई, ये रहा जेड, तो यहाँ आप देखते हैं दो लोग होते हैं और ये रोटेटिंग, रोटेटिंग वाले ये हैं, तो ये बेबी सूथर, तो इसको आप डी जेड स्क्वायर कहते हैं, क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। नाइन नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक फाइव एफ कक्षक में है, ये फाइव एफ ऑर्बिटल है, इसमें देखिए कितने नोड पूछ रहा है,
तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी नोड पूछे तो फार्मूला है n माइनस वन, n इज इक्वल टू फाइव है, फाइव में से वन आप निकालें तो फोर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर नोड कितने हो जाएंगे, फोर नोड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, फोर नोड हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर कभी भी इसमें जैसे पूछ लिया जाए कि एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कभी भी पूछा जाए तो इसका फार्मूला याद किए रहिए, एंगुलर नोड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एंगुलर नोड निकालने के लिए बस केवल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल दीजिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर ही एंगुलर नोड हो जाएगा। और रेडियल नोड अगर त्रिज्यीय नोडों की संख्या तो एन माइनस एल माइनस वन, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक। देखते हैं हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर हाँ दसवां प्रश्न है, 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, 2p6 तो संभव है, 3s1 भी, 2p होता ही नहीं तो ये संभव नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, एक आयन जिसके सबसे बाहरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखिए इसका 19 क्रमांक होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो आप देखें कितना हो जाएगा बाहर, 18 आयन आयन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में पूछा है, तो इसको तो हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्या पूछा है, इसको समझें, एक आयन जिसके सबसे बाहरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कोष में ये पूछ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे तो आप जानते हैं किसका होता है, तो अगर यहाँ आयन नहीं पूछा होता, एलिमेंट पूछा होता, तब आप पैलेडियम कह देते हैं, पैलेडियम। अब यहाँ पैलेडियम के नज़दीक आप ज़रा देखें, पैलेडियम के नज़दीक यहाँ पर आपका ये कौन हो सकता है, इसका 19 हो जाएगा, इसका 29 हो जाएगा, इसका सीजियम का 55 से एक निकालेंगे, 55 से एक निकाल देंगे तो 54 हो जाएगा, है ना। और यहाँ इसका ज़रा देखें, ये थोरियम है, ये तो यही आपका हो जाएगा, ठीक। सीजियम यह एक ऐसा आयन है कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें तो लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, ठीक। इसको एक बार आप चेक भी करिए, जबकि ऑप्शन यही सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें तो युग्मित ही है सब, टाइटेनियम 3+ में अगर आप चेक करेंगे तो 4 ये आर्गन और 4s0 3d2 दो ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एस से 2 चला जाएगा, डी से 1 जाएगा, 3d2 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन तो होगा ही होगा, इसके अलावा 4s0 और 3d6, तो यहीं पर 4 देखने को मिल रहा है, देखिए 2 3 4 भरिए आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अयुग्मित, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये 13 नंबर का प्रश्न, यदि इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 तक गिरता है तो उत्सर्जित ऊर्जा है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम n = 3
2n इज इक्वल टू 2, दी इमिटेड एनर्जी इज, इमिटेड एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, इमिटेड एनर्जी का 13.6 वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक, ये इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ, एन वन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और एन टू का 3 का स्क्वायर। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो अप्रॉक्स 1.9 के बराबर है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कक्षीय कोणीय संवेग वो भी किसके लिए पूछ रहा, डी इलेक्ट्रॉन के लिए। और डी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है कि ये कक्षीय कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन, और ये आप अंडर रूट के बाहर एच अपॉन टू पाई रखेंगे। अब आप जानते हैं डी इलेक्ट्रॉन के लिए, एल डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, 2, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर, 2 रख देंगे 2, और यहाँ 2 - 1 रखिए एच अपॉन टू पाई, कितना हुआ 2, इसको जोड़िए 2 + 1 = 3, 3 × 2 = 6, अंडर रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, तो इस तरीके से ये फार्मूला है, इसको याद रखे रहेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या, चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, सभी के लिए नोडल प्लेन की संख्या 1 होती है, कितना होगी 1। आप जान रहे हैं नोडल प्लेन अगर पूछ रहा है तो चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, एल पी के लिए एल का वैल्यू 1 है तो 1 होगा। ठीक, 16 नंबर का प्रश्न देखें, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 5, 3d5, 4s1 दर्शाता है, तो ये तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है, तो ये तो ग्राउंड स्टेट ही होगा, इसमें कोई एक्साइटेड स्टेट या कैटायनिक स्टेट कुछ नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न देखें, n = 3, l = 2, m = +2 दिया है, तो इस क्वांटम संख्या में कितने कक्षक संभव, कक्षक n 3 है और l 2 है, l 2 d के लिए होता है और वो भी प्लस 2 दिया है, मतलब फिक्स एक ही कोई ऑर्बिटल है, तो ये तो ऑर्बिटल फिक्स होता है ना, जैसे आप देखते हैं, अब आप खुद देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है ना, जैसे हम अब -2 करेंगे, -1, 0, +1, +2, तो +2 तो फिक्स है, एक ही होगा ना, तो इसलिए वह एक ही आप दिखाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम स्थिर है। अब देखिए आप जान रहे हैं कि लिथियम माइनस, बेरिलियम पर एक माइनस, बोरान पर एक माइनस, कार्बन पर एक माइनस, जैसे जैसे हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो निगेटिविटी बढ़ती है, तो ये सब तो पॉसिबल है, यहाँ इसमें और इसमें ज़्यादा धात्विक लक्षण इसके पास है, तो ये ज़्यादा स्थिर होगा, ये ध्यान दीजिए सबसे कम स्थिर है, ये तो स्थिर है, ये सबसे कम स्थिर, स्थिर की बात है, सबसे कम स्थिर यही होगा। ठीक, ये तो स्टेबल है, कुछ स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इसमें, ठीक, लीस्ट स्टेबल यही होगा, मेटल यानी धातु जो है
वह इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा नहीं, वह इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं निकालेगा। ठीक, यहाँ पर ये एक्सेप्ट करवाया जा रहा है और इसका आकार बड़ा भी होता है तो निश्चित रूप से ये ग्रहण नहीं करेगा, सबसे कम स्थिर है। 19 नंबर का प्रश्न देखें, 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या। अब 3p ऑर्बिटल कह रहा है वो भी रेडियल नोड, रेडियल नोड का फार्मूला क्या है, n-l-1। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1। अब आप जानते हैं 3p में n बराबर 3 है और p है तो 1 होगा, -1। तो अब आप जान सकते हैं कि इसको आप देखेंगे -1 -1 ये प्लस में तो हो जाएगा लेकिन -2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। एंगुलर भी इसका पूछे ना तब भी एक ही आएगा क्योंकि एंगुलर नोड एल के बराबर होता है और एल बराबर एक ही आएगा। ठीक, इसको भी याद रखे रहना है। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, 20 नंबर, 4d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड की संख्या। अब 4d आप खुद समझ सकते हैं, n बराबर 4 है और एंगुलर नोड यहाँ पर कह रहा है, एंगुलर नोड अब आप खुद बताइए d है, l बराबर जितना आएगा तो l बराबर d के लिए 2 होता है तो ये आ जाएगा l जितना होगा, l बराबर 2 आता है किसके लिए, d के लिए, तो इसलिए यही आपका एंगुलर नोड होगा। रेडियल नोड तो n-l-1 होता है लेकिन एंगुलर नोड l के यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे आप दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं उसी के बराबर होगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पर निर्भर करता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l पर निर्भर करता है। ठीक है, आप जानते हैं जैसे अभी हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाले थे, अंडर रूट l प्लस, इस तरीके से अभी हम लोग निकाले थे फार्मूले में, आपने देखा था है ना, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट l(l+1) h/2π। ठीक, तो l पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, l पर। ठीक, 22 नंबर का प्रश्न देखिए, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों के युग्म है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का तो आप जान रहे हैं क्रोमियम है 24 और इसका 26, 24 से 3 निकालिए तो 21 और 26 से 3 निकालिए तो 23, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ मिलाइए 26 से 3 निकालिए, 26 से 3 निकालें, 26 क्रमांक होता है आयरन का, उसमें से 3 निकाल दिए तो 23 आ गया और 25 से 2 निकाले 23 आ गया। ठीक, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूरा करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे भी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परमाणु में सबसे कम संख्या में न्यूट्रॉन है। तो 235 न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, a-z, और सबसे कम पूछ रहा है तो यहाँ पर 235 में से आप 235 में से 92 घटाएंगे तो 143 से आ जाएगा। ठीक, और 238 में से अगर 92 घटाएंगे तो 146 से आ जाएगा, और 239 में से 93 अगर घटाएंगे तो यहाँ भी 146 आ जाएगा, और यहाँ 240 में से 93 अगर आप घटाते हैं तो 147 आ जाएगा। और प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे कम संख्या में न्यूट्रॉन, सबसे कम 143 ही दिख रहा है तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, तत्वों में कौन सा गुण पूर्णांक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ए होल नंबर।
होल नंबर देखिए एटॉमिक मास का नहीं होता, पॉइंट में होता है, रेडियस भी पॉइंट में होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी पॉइंट नहीं होगा, आयतन भी पॉइंट में हो सकता है। तो यहाँ होल नंबर केवल परमाणु संख्या ही होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है। ठीक, 25 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 है? आर्गन 3d6, आर्गन का 18 होगा, 18, और साथ में आप देख लीजिए 18 और 6 जोड़िए, 24 आ गया, 24। अब 24 में आप आयन जोड़िए, अगर क्रमांक सही आ जाएगा सही होगा। 24 में अगर 3 जोड़ रहे हैं 27 होगा, जबकि इसका 28 होता है तो ये नहीं होगा। 24 में अगर 3 जोड़ रहे हैं यहाँ पर तो 27 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 24 में अगर 3 निकाला है वही जोड़ दीजिए तो 26 हो जाएगा, यानी 24 में 3 जोड़ेंगे 27, इसका 26 होता है तो ये भी नहीं होगा। 24 में अगर 3 जोड़ दें 27 आएगा, और 27 कोबाल्ट का होता भी है तो यही सही हो गया। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। देखें 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अनुमेय व्यवस्था नहीं है? अब इंग्लिश पढ़ लीजिए, अनुमेय क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मतलब ये सही व्यवस्था नहीं है, ऐसा कौन सा है? तो देखिए n बराबर 5, हाँ 5 हो सकता है, l बराबर 3 f के लिए, ठीक है, m 0 भी हो सकता है, इसमें क्लॉकवाइज भी, ये तो सही है। अच्छा n बराबर 3, देखिए c वाला चेक कर लें, n बराबर 3, l बराबर 2 d के लिए हो सकता है, और माइनस 2 दिया है, माइनस में हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं ये डी है, डी के लिए आप माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 जा सकते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉक दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके लिए ज़रा देखते हैं, एन बराबर 3, एल बराबर 2, अच्छा डी, हाँ हो सकता है, लेकिन ये ज़रा देखें यहाँ गलत कर दिया, माइनस 3 कैसे होगा? डी के लिए तो डी के लिए आप जान रहे हैं माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक होता है, माइनस 3 तो कोई सवाल ही नहीं, तो बी वाला ऑप्शन यही नहीं हो सकता, ये जानते रहिए। ठीक, 27 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में गतिज ऊर्जा का परिमाण बराबर होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का ये तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्थितिज ऊर्जा का आधा होता है, स्थितिज ऊर्जा का आधा है ना, यानी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सब सेल एल बराबर 3 और एन बराबर 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एल बराबर तीन किसके लिए होता है? एफ में, एन बराबर 4 दिया है, तो 4f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 हो सकता है, ठीक है 14, यानी कि ए ऑप्शन। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल भी आप प्रेस कर लेंगे तो ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, बेनिफिट आप ही को होगा। तो इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 29 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में बामर श्रृंखला में उच्चतम ऊर्जा संक्रमण की तरंग संख्या, इसको तो रट लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में बामर श्रृंखला का वो इनफाइनाइट जो होता है, ये बामर सीरीज के लिए 2 होता है, तो
उसका वैल्यू जो आता है हाईएस्ट वेव नंबर वह देखिए ये आपका आ जाएगा 27419.5 पर सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा इसको। 30 नंबर का प्रश्न, क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो सबको पता है क्रोमियम का 24 होता है, 24 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये एक्सेप्शनल भी है, आर्गन 18 तक तो ऐसे चलता है, और इसके बाद फिर पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, एस में 4s1, उसके बाद 3d5, ठीक। तो 18 यहीं तक हो गया, 18 19 19 5 24 हो गया, तो ये इधर उधर करके लिख दिया जाता है, लेकिन नियमतः यही है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ये आपके लघु उत्तरी प्रश्न हैं ऑलरेडी कक्षा और कक्षक के बीच अंतर सिंपल है, वही KLMN कक्षा और कक्षक आप जान रहे हैं, कक्षक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जैसे S में कितने ऑर्बिटल, एक ही होते हैं, P में कितने ऑर्बिटल, P उपकोष में 3 होते हैं, D में कितने ऑर्बिटल, 5, F में एफ सबसेल यानी एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल, तो 7 होते हैं। इस तरीके से आप आइसोटोप्स और ये क्वांटम संख्या, वाउंड का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम, कॉपर, पाउली का पोर्जन, स्पिन क्वांटम, सिंपल है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।